शारदीय नवरात्रि की पूजा बड़े ही धूमधाम से भारत में हो रही है। माता के कई भक्तों ने घर में कलश स्थापित किया है तो कई जगहों पर पूजा पंडाल सजे हैं, जहां माँ दुर्गा की प्रतिमाएं सजाई गई है। नवरात्रि में माँ के नौ रूपों की पूजा की जाती है, लेकिन इसकी अष्टमी और नवमी का खास महत्व है। आपको बता दें कि अष्टमी के दिन माँ गौरी की और नवमी के दिन माँ सिद्धदात्री की पूजा की जाती है। इन दोनों दिन माँ की पूजा करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। नवरात्रि की पूजा में अष्टमी और नवमी का दिन विशेष महत्व रखता है। इसी दिन से कन्या भोजन भी शुरू होता है। वहीं बहुत से लोग अष्टमी का व्रत भी रखते हैं, जिसका पारण नवमी को किया जाता है। तो चलिए आइए जानते हैं कि इस साल नवरात्रि का महाअष्टमी व्रत किस दिन पड़ रहा है और इस दिन का क्या महत्व है। अष्टमी का पूजा जो है रविवार, व्रत जो है अष्टमी का व्रत जो है रविवार सुबह से ही जो है उदय तिथि में अष्टमी है, रविवार को 22 तारीख को अष्टमी का व्रत जो है माताएं जो अपने पुत्र पुत्री के दीर्घायु के लिए जो करेंगे वो 22 तारीख को रविवार को होगा। निशा बल जो है शनिवार 21 तारीख को जो है 8:02 में अष्टमी प्रवेश कर रहा है, इसलिए जो है रात्रि में जो है ये पूजा होता है और अष्टमी का जो है बलि जो है क्या कहते हैं इसको कुष्मांड बलि जो है अष्टमी को 8:02 के बाद पड़ेगा। हाँ, घर में भी जो है जो भी परोल या ओल या कुष्मांड कोढ़ला का जो बलि देते हैं घर में उसी दिन करेंगे 8:02 के बाद 21 तारीख को। क्या शुभ संयोग बन रहा है इस बार? संयोग यही बन रहा है कि हाथी पर जो है माँ दुर्गा का आगमन है और नीलकंठ पर जो है माँ दुर्गा जी जा रही हैं, दोनों शुभ माना गया है। सबसे शुभ मुहूर्त जो है सबसे शुभ मुहूर्त है कि गज पर जो आना है, गज का अति है गज रूढ़ा भक्तया आगमन भगवत्या आगमन फलम सबसे शुद्ध माना गया है। नीलकंठ पर जाने पर जो है विजय ही विजय है। नीलकंठ का जो है दर्शन करना सबसे विजयादशमी के दिन उत्तम माना गया है।